नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। बालोद में 17 साल की लड़की से रेप, शादी का झांसा देकर भगा ले गया, फिर किया दुष्कर्म, शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार। बालोद में 17 साल की लड़की से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी ने लड़की से शादी का वादा किया था, इसके बाद उसको भगा ले गया था। भगा ले जाने के बाद आरोपी ने लड़की से रेप किया था। इधर इस बात की शिकायत नाबालिग के पिता ने पुलिस से की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला गुंडरदेही थाना क्षेत्र का है। इस मामले में पीड़िता के पिता ने शिकायत की थी। उसने बताया कि रविवार सुबह से उसकी लड़की लापता है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, काफी पता लगाने पर भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसी शिकायत पर पुलिस ने लड़की के लापता होने का रिपोर्ट दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की, तब पुलिस को पता चला कि लड़की का मुंगेली के रहने वाले लोकेश निषाद से प्रेम प्रसंग है। इस पर पुलिस ने लोकेश के पथरिया इलाके स्थित घर में दबिश दी। यहां से पुलिस ने पहले लड़की को छुड़ाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद लड़की ने पुलिस को बताया कि लोकेश ने उसे शादी करने का वादा किया था, उसने मुझसे कई बार शारीरिक संबंध भी बनाया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप और अपहरण का मामला दर्ज कर कार्रवाई की है।